हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिड बेसिस और बफर के इनऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो इसके जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका मॉलिकुलर फार्मूला होता है NaOH, Na यानी कि सोडियम और OH हाइड्रोक्साइड, दोनों को मिला के हो जाता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इट इज आल्सो कॉल्ड कास्टिक सोडा, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, या फिर इसका जो दूसरा नाम होता है वो कास्टिक सोडा भी होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द मोस्ट वाइडली यूज इन इंडस्ट्रियल एल्कलाई। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मोस्ट वाइडली लगभग सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो लगभग यूज होता है वो इंडस्ट्रियल एल्कलाई के रूप में होता है। फाउंड इन ड्रेन एंड ओवन क्लीनर, ये पाया जाता है ड्रेन यानी कि सूखे और जब ओवन की हमारी क्लीनिंग यानी कि सफाई होती है तब ये पाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इसका कलर होता है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऑर्डर ऑर्डरलेस यानी कि ये गंधहीन होता है। टेस्ट इसका बिटर यानी कि कड़वा होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में, यानी कि ये वाटर में यानी कि जल में बहुत जल्दी ये घुल जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। एंड लोअर सॉल्युबिलिटी इन एथेनॉल एंड मेथेनॉल, ये एथेनॉल और मेथेनॉल में ये देर में घुलता है, इसकी सॉल्युबिलिटी इनमें कम होती है। अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में मॉलिकुलर वेट है इसका 39.9 ग्राम प्रति मोल और मेल्टिंग पॉइंट 318 यानी कि 318 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट 1388 डिग्री सेंटीग्रेड। और डेंसिटी की बात करें तो इसकी 2.13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस यानी कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इट इज आल्सो यूज्ड इन प्रोसेसिंग कॉटन फैब्रिक मेटल क्लीनिंग। इसका यूज देखें तो इसका प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन फैब्रिक यानी कि कॉटन के जो फैब्रिक होते हैं कॉटन को बनाने में इसका यूज होता है। मेटल क्लीनिंग और जो मेटल्स होते हैं धात होती हैं उनकी सफाई में भी इसका यूज होता है। इट इज यूज इन ऑक्साइड कोटिंग, ये कई चीज़ों में ऑक्साइड की कोटिंग यानी कि ऑक्साइड की परत चढ़ाने में भी इसका यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू प्रोड्यूस सोप्स पेपर्स प्रोडक्ट्स डाइस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्शन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है सोप यानी कि साबुन पेपर और प्रोडक्शन डाइस पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इनका यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड का काफ़ी होता है। अब बात करते हैं इसके स्टोरेज कंडीशन की। सोडियम हाइड्रोक्साइड शुड बी स्टोर्ड इन प्लास्टिक कंटेनर, सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्लास्टिक कंटेनर में स्टोर किया जाता है यानी कि उसमें रखा जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल इनकॉम्पेबिलिटी की। तो ये इनकॉम्पेटिबल है विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। अब हमारा आता है दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका मॉलिकुलर फार्मूला होता है NH4OH। NH4 होता है अमोनिया का फार्मूला और हाइड्रोक्साइड होता है हमारा OH। NH दोनों को मिला के हो जाता है NH4OH। स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड आल्सो नोन एज एक्वा अमोनिया, इसका जो दूसरा नाम है या फिर इसे दूसरे नाम से जो जाना जाता है उसे एक्वा अमोनिया के नाम से भी जाना जाता है। इट इज स्ट्रॉन्ग बेस, ये जो हमारा है सोडियम स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका कलर, ऑर्डर और टेस्ट। तो इसका कलर होता है ये कलरलेस होता है यानी कि ये रंगहीन होता है। ऑर्डर इसका पंजेंट फिशी ऑर्डर यानी कि ये कुछ मछली की तरह महकता है। टेस्ट की बात करें तो इसका पंजेंट एंड बिटर यानी कि इसका कड़वा टेस्ट और जीभ को थोड़ा झंझनाने वाला इसका टेस्ट होता है। अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इसका मॉलिकुलर वेट होता है 35.04 ग्राम प्रति मोल और डेंसिटी इसकी 0.91 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, मेल्टिंग पॉइंट इसका -91.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो इसका यूज होता है, इट इज यूज इन सोल्यूशन एज दिस फर्टिलाइजर, जो इसका सोल्यूशन है अमोनिया एक्वा का सोल्यूशन है उसका यूज होता है हमारा फर्टिलाइजर्स के रूप में यानी कि ये खेतों में इसका फर्टिलाइजर के रूप में उपयोग होता है। इट इज यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट की तरह भी यानी कि ये साफ सफाई में भी यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक रोयंस एंड रबर, इसका यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल एरिया में इसका प्लास्टिक एंड रोयन और रबर, जो रबर और प्लास्टिक हमारी बनती है इंडस्ट्री में उसमें भी इसका उपयोग होता है। अब हम बात करते हैं इसके स्टोरेज कंडीशन की। अमोनियम हाइड्रोक्साइड स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर, इसे रूम टेम्परेचर पर स्टोर करना चाहिए एंड शुड बी टाइटली क्लोज कंटेनर,
इसको जिस भी कंटेनर में रखें उसे खूब अच्छे तरीके से बंद करके रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल इनकॉम्पेबिलिटी की, तो ये इनकॉम्पेटिबल है विद मटेरियल्स, लाइक ये मटेरियल्स के साथ, मेटल्स के साथ नहीं रह सकता है, जैसे कॉपर, ब्रास, मरकरी एंड गोल्ड एंड सिल्वर।